उतना अपना मैं शांत हो गया। अब ये देखो मैं का जन्म कैसे होता है। हम जगत में जब रहते अखबार पढ़ते हैं, अब वो वर्तमान पत्र अखबार पढ़ने के पश्चात पढ़ करके भूल जाओ, लेकिन फिर उसके ऊपर रिएक्शन शुरू होती है, ये ऐसा करते वो ऐसा करते, ये गवर्नमेंट ऐसे वो गवर्नमेंट, वो पॉलिटिशियन खाते ही ये, अरे राम राम राम, क्यों कचरा पढ़ रहे हो। फिर वो प्रश्न हमको पूछे, स्वामी जी करप्शन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो हम भी उनको वैसा उत्तर देते, हमको मौका मिला तो हम भी करेंगे। अरे इस बकवास से अपने आप को बचाओ संतो, यदि आप आध्यात्म की बात जानते हो तो जैसे जैसे ये छोटा अहम खत्म हो जाएगा तो स्फुरति हृत स्वयं परमात्मा प्रकट होने लगेगा, और परमात्मा का प्रकटीकरण केवल आनंद होता है, दूसरा नहीं। जैसे सूर्य प्रकट होता है प्रकाश के द्वारा, सूर्य को हम निर्माण नहीं करते, अपने आत्मस्वरूप को हम निर्माण नहीं करते, वो ढका हुआ है, इस ढक्कन को हटा दो तो स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत्। और ये ढक्कन कैसा है, जैसे लहरें समुद्र को ढकती है या समुद्र पानी को ढकता है, इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, विषय इंद्रियों को ढक देते हैं, रूप रंग हमारे दृष्टि को ढक देते हैं। कैसे, हमने रूप रंग को महत्व दिया है, शब्द हमारे श्रवण शक्ति को ढक देते हैं क्योंकि हमने श्रवण शक्ति को महत्व दिया या शब्दों को महत्व दिया है। फिर इंद्रिय जो है हमारे मन को ढक देते हैं, हम इंद्रिय के गुलाम बन गए, मन ढक गया। फिर ये जो मन है यह चेतना को ढक देता है, और फिर मन के जो अच्छे बुरे विचार है उसमें हम फंस जाते हैं, और ये चेतना जो है ये चैतन्य को ढक देती है, जड़ चेतन के चक्कर में फंस गए, और यह जो चैतन्य है वो किसी का भी विरोधी नहीं है। यह जो निर्विरोध निर्विशेष जो सामान्य सत्ता है वो अपना स्वरूप,